सारा का सारा पैक होके कहाँ जा रहा है भाई? पंजाब जाएगा भाई। तो इस तरीके से पैक होता है, एयर खाली पड़ी हुई है बिल्कुल भाई। वो देखो मछली वगैरह के जाल वगैरह लगा के बैठे हुए वो लोग। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। चले मिलते हैं वीडियो। तो जी आज का विजिट है हमारा भाई हैदराबाद सब्जी मंडी का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि यार सुबह सुबह का वीडियो बनाई जाए हैदराबाद सब्जी मंडी की। तो एंट्री से आपको दिखाता हूँ, फिर मैं जाते हैं भाई। फहीम को साथ आया हूँ मैं, और सबसे पहले लेना है हमारे को टमाटर है। फहीम को मैंने वहाँ खड़ा करा, मैंने यार वीडियो बनाते हैं भाई, चलते हैं और लेते हैं भी टमाटर। फहीम भाई चलें टमाटर ले है भाई। ये है मंडी का हाल, हैदराबाद की मंडी का। और फहीम के साथ मैंने कहा था कल इसको आने का, तो यार मेरा यार चलो टमाटर वगैरह लेते हुए आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप ये देखो, ये हैदराबाद की मंडी कैसी हो रही है, चारों तरफ रशी रशे। और ये तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 7:30, 7:30 पौने 8 का टाइम है। फहीम ले रहा है भाई, बार्गेनिंग कर रहा है, अपन को तो पता नहीं है इसके बारे में। चलो आपको मंडी का विज़िट करवाता हूँ मैं, कैसा होगा। चलो जी आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं। हाँ भाई 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 समझ में आ रहा है, महंगा है। चल टमाटर ही टमाटर लगा भाई, सारा टमाटर है जितना भी। चलो भाई ना तो घूम हो जाना भी मुश्किल है, वो आसान है बल्कि। चलो इसके साथ साथ चलते हैं, देखते हैं फिर ये क्या चीज़ होती है, कैसे लेते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आपने मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम ही आके विजिट किया है भाई ऐसा। ये रहा सारा टमाटर ही टमाटर है, और भी जगहों पे लेके जाऊंगा आपको भी मैं, थोड़ा वीडियो में साथ रहना भाई। ये वाला साइड लगा हुआ है खीरे का, आवाज़ भी आ रही होगी आपको, ताज़ा खीरा 200 200। ये गोभी वगैरह की साइड है। ये मंज़र देखो यार, ये चीज़ें कभी भी देखने को नहीं मिलती अमूमन, आपको देख लेना कभी भी। सारा खीरा वगैरह लगा हुआ है, गोभी की आवाज़ें लग रही हैं, यानी उधर गाजर रखा हुआ है सारा भाई। वाकई चीज़ें ही, मैं तो फर्स्ट टाइम आके यकीन करो, मेरा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम। और ये देखो बैगन वगैरह, भिंडी। चलो जो और चीज़ें दिखाता हूँ फिर आपको मैं, फहीम को भी साथ नज़रों में रखना है, कहीं घूमना हो जाऊँ। चलो वीडियो में साथ रहना भाई। ये देखो पूरा गाजर का ट्रक आया हुआ है, गाजर यहाँ उतर रही है, सारी सेट हो रही है। और ये पूरा का पूरा ट्रक बना हुआ है, देखो आप इसका सारा का सारा मंजर ही अलग है यार भाई। मैं फ़र्स्ट टाइम आके वाकई ऐसा हो गया है, चेंज हो गया है बिल्कुल ही माइंड, कि भाई लेना और ख़रीदना उगाना वगैरह खेती बाड़ी से ज़्यादा ख़तरनाक काम यहाँ हुआ हुआ है। ये देखो ये गाजर का पूरा ट्रक ये भी खड़ा हुआ है जी सर, दिखा मेरे को तो खैर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ सब चीज़ों के अंदर। ये वो पकुआ ही मिल गया यहाँ पर, मैं गाजर का अरे फहीम के साथ आया था। चलो जी आगे चलते हैं फिर मिलते हैं फिर भाई। दोबारा टमाटर वाली साइड पे आए थे फहीम के साथ, तो ये सारा का सारा पैक होके कहाँ जा रहा है भाई? पंजाब जाएगा भाई। तो इस तरीके से पैक होता है? अच्छा ये पेटियों में पैक करके इसको, अच्छा ये कच्चा पक्का इस तरह से रखा हुआ है कि माता जा रहे लाल हो जाएगा यार। ये देखो सेटिंग देखो इन लोगों की, ये खोलने का इनका तरीका देखो, इधर भी ढेर हुआ हुआ है। तो ये ढेर करके यहाँ से पंजाब की सेटिंग बनाते हैं। अब भाई उसको टमाटर मिल जाए तो मैं कहीं और भी जाने की आसानी बनाऊँ जल्दी से, तो ये टमाटर ले लें फिर करते हैं आपसे। ये है आलू की बोली, जो बोली लगकर आवाज़ लगते दिखता है यहाँ पर ट्रकों में, सही गाड़ी में से माल उतरता नहीं है, वो सारा का सारा माल बोली लग के बिकना शुरू हो जाता है। ऐसे ये बोरी खोलती जाती है वजन और माल, और सारा का सारा माल ऊपर रखा होता है। गोल्डन आलू है, आलू का साइज़ भी देखो कैसा हो रहा है। लेकिन ये एक बोरी खोली जाती है, इसके अंदर से बाकी आवाज़ों से लग के बिक रहा होता है। सब गाड़ियाँ आलू की खड़ी हुई है, ये देखो एक नंबर आलू होगा, ये एक खुला हुआ है, सब जगह बोली लग लग के बिक रहा है। फहीम भाई ये बोली ऐसे बिकता है यहाँ पर? हाँ भाई ये बोली लग के ट्रकों में से बिक जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी ये गाड़ियाँ ऐसी लगी रहेंगी यहाँ। यार ये तो बड़ा सेटअप ही अलग हुआ हुआ है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम में वाकई इसका एक्सपीरियंस पहली बार होना, बहुत चेंजिंग वाला काम है।
भाई एक जानने वाले तो मिल गए हमारे बाजार के, बल्कि महल्ले के, और कोई ना टकराए वैसे। सब ये हैरान है यार, ये यहाँ कैसे आया। चलो मालिक, ये देखो सारी की उधर प्याज भी है, प्याज का हिसाब भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादा विजिट नहीं करा पाऊँगा भाई। ये अभी इसके साथ आया हूँ, मैं चाह रहा हूँ घूमना जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ी है मंडी, है तकरीबन बहुत बड़ी मंडी है ये। मैं पूरी विजिट भी नहीं कर पाऊँगा एक दिन में, टाइम भी शॉर्ट है अपने पास। चलो जो जो हो सकता है वो तो आपको दिखाऊँ मैं अभी। ट्रक वाला साइड है आलू और सब्ज़ी वगैरह का, ये आ गया फलों का, तकरीबन सारे साइज़ यहाँ पे साइड ये जो है याले फलों के लगे। मैं आपको दिखाऊँ किन्नू वगैरह कैसा लगा हुआ, ये देखो ये जो ये किन्नू की पेटी आ गई, मैं सोचा चल रहा है। ये देखो यार वाकई यहाँ का एक इन्वायरमेंट ही अलग है यार। देखो ये किन्नू वगैरह की बोली जो चल रही है, ये फिल्टर आ गया, ये फिल्टर आ गया। मैंने यार चलो विजिट ही किया जाए, कैसा है कैसा नहीं है, दो पता लग जाएगा कि तजुर्बा हो जाएगा हमारे को भी। तो फहीम भाई यहाँ के तो नज़ारे अलग हैं यार। अनार चला गया है लेकिन अभी भी अनार मौजूद है। स्ट्रॉबेरी, ये न्यू स्ट्रॉबेरी आ गई है भाई, हज़ार रुपये की। वजन कितना हुआ ये पूरी? 1000 रुपये की। अच्छा ये स्ट्रॉबेरी आ गई, ये चीकू का लगा हुआ है, ये छोटा सेब, ये अनार दिखाऊं मैं आपको, ये अनार के पूरी छबियाँ। ये सारा इम्पोर्ट होता है माली, ये जब सीज़न नहीं है अनार का वैसे, लेकिन ये सब बाहर जाने वाला है। ये सेब का सेटअप रखा हुआ है। ये मैं फहीम को ही बोला हुआ मैंने, फहीम अगर कोई वारे में चीज़ दिखे ना तो भाई ले लियो यार, भले मसला नहीं है। मेरा अमरूद वगैरह के चीज़ लगा के बैठे हैं भाई, बहुत बड़ी है ये मंडी, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको पूरा विजिट करना ना नामुमकिन है तरीके से, पूरा दिन चाहिए इसको पूरा का पूरा एक्सप्लोर करने। और आम के सीज़न में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते आम के, तो भाई यहाँ पे आपको मैं किसी दिन आम जब आ जाएगा गर्मियों में तो मैं आपको इसका विजिट ज़रूर करवाऊँगा यार। अच्छा ये सेब वाला साइड है ना भाई पूरा? अच्छा ये पूरी एक सब्ज़ी की लगी हुई है, ये पूरा फलों का है। 1200 की किन्नू की पेटी। ये आ गया खरबूजा, स्ट्रॉबेरी दोबारा, ये अमरूद पैक होकर बाहर जाने के लिए तैयार है भाई। ये भी शुक्र है कि इंसान जल्दी से बाहर नहीं आता, लेकिन फल जल्दी से बाहर चला जाता है। किन्नू छोटा है, ये गेरा गेरा। और भाई भाई वैसे वाकई मंजर ही अलग है यहाँ के, बहुत ही प्यारा वो है पपीता पूरा, मैं आपको दिखाऊँ पपीते की। यहाँ हलवा पूरी बिक रही है लेकिन पपीता पूरा, पपीते के खोरे इसने ख़ास नहीं देखे, चीकू वगैरह के यहाँ पे लगे हुए। बहुत बढ़िया देखो आप, अब इसको बंदा कितना एक्सप्लोर करेगा यार, वाकई इसको विजिट करना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको पूरी की पूरी मार्केट के, ऐसे विज़िट कराता है, कोशिश कर रहा हूँ कि यार किसी से बात करूँ, लेकिन ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते यार। देखो रेड एप्पल, ये भी अमूमन नहीं देखने को मिलता रेड एप्पल। ये रहा अनार, अनार फ्रूट में भाई सब्जी में ज़्यादा रश है यार यहाँ से, फ्रूट में तो कोई इतना नहीं है, आराम से चल रहे हैं यहाँ पर। ग्रीन एप्पल, होए 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 मज़ा आ गया मिराज भाई वैसे। भाई यहाँ बड़ा वाला है नहीं, वाकई नहीं है भाई। मेरा दिमाग था कि किन्नू बड़ा कोई साइज जो होता है ना, जो प्याला किन्नू कहलाता है, मैंने चलो वो ले लेंगे। क्या हिसाब भाई वजन करियो भाई, मुझको कितना होगा ये पेटी हमारे को समझ में आई। किन्नू भी सही है इसका साइज़, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बोल रहा है, यानी 1500 रुपये की पेटी यहाँ है, 150 रुपये किलो तो वैसे ही आम जाम मिल जाता है। बड़ा साइज़ अच्छा था बस, ये कहने वाली बात। ये आ गए पपीते वाला साइज़ मैं आपको दे रहा था ना, ये आ गया वही रेड एप्पल, लेकिन ये क्या है ना। अच्छा ये सारा फहीम बाहर जाने वाला चक्कू है ना, या बाहर से आया है ये?
कराची कराची पंजाब। अच्छा ये कीवी, कीवी का बॉक्स, ये अनार। यूट्यूब पे, यूट्यूब पे व्लॉगिंग चैनल है मिराज मलिक के नाम से, उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये किन्नू के सारा का सारा सेटअप चल रहा है यहाँ पे, एंड हो गया, एंड है ना। अच्छा इसके आगे और जा रही है मस्जिद, तो और बड़ी है मेरे को लग रहा है और जा रही है, जितने लोग आगे करेंगे आगे हो जाएंगे। हाँ और वो कौन सा साइड है वो जो है मिर्ची, वो लाल मिर्ची। हाँ नहीं भाई दहाँ से आ जाएंगे, बेकार है वहाँ जाना भाई। मैं पूरी एक्सप्लोर नहीं कर रहा, लेकिन जो जो मेन मेन जगह थी ना वो आपको दिखाने के लिए मैंने चला, वो चीज़ें दिखा रहे हैं आपको कि यार मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ का, तो पता लग जाएगा। ये पेटियाँ पैक होने के लिए, कि बाहर जाने के लिए तैयार हो रही हैं ये सेटिंग सारी। ये भाई चले भाई, भाई काम हो गया है वैसे। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। जो जो चीज़ें दिखा सकता था वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये मंडी बहुत बड़ी बड़ी है भाई, इसको पूरा विजिट करना आसान नहीं है। कराची के बाद दूसरी, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मंडियों में शुमार होती है शायद कराची, तो भाई आउटस्टैंडिंग मंडी है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कराची के बाद दूसरी सबसे मंडी भाई हैदराबाद की है। ये सारे किन्नू वगैरह, अनार, सेब, अभी सीज़न यही है, अमरूद का सीज़न लगा हुआ है, ये चीकू लगा हुआ है, केला। अच्छा केला मंडी में तकरीबन कम बिकता है, ये हमारे यहाँ ना तकरीबन मैंने अभी देखे हैं दो जगहों पे देख चुका हूँ कि वो इसके वो एक होते हैं ना स्टोर, स्टोर बनाए हुए वहाँ से केला ज़्यादा निकलता है भाई। अमरूद की बोली चली भाई, ये दिखाने के लिए होते हैं खोले हुए, बाकी इनके पास पीछे से जितनी चाहिए आपको वो मिल जाती है। ये देखो स्टोर टाइप का यहाँ पर बनाया हुआ है, ये रहा ये दिखाऊँ आपको, मैं स्टोर टाइप का बनाया हुआ केले का। तो जी चलते हैं वीडियो रुकते हुए नहर के ऊपर, नहर का आपको दिखाऊं कि मंजर ही अलग हुआ सुबह सुबह का। चलें मिलते, गिरते गिरते बच गया वहीं भाई, बचत हो गई, चलें अभी मालिक। तो जी मंडी से फारिग होने के बाद मिल गई गरम गरम चाय, और साथ में हो फहीम भाई मालिक। वो ये कच्चे होटल हुए देसी माहौल, क्या बात है जी। ये देखो अब कच्चे पे खाना बन रहा है, वो ये सामने जा रही है नहर, सामने बिल्कुल नहर है, चैनल की नहर कहलाती है भाई। चाय मज़ा ही आ गया भाई, है भाई वहीं भाई वे आई पी हो गया नहर के साथ बैठ के चाय। हाय हाय चलो अभी नहर पे भी चलते हैं यार, लोग सबको नहर भी दिखाते हैं, नहर अभी दिखाते हैं, खाली हो गई है। नहर अभी खाली हो गई है क्योंकि सफाई चल रही है, दिसंबर का महीना है ना तो सफाई के लिए खाली होती है, तो नहर आपको दिखाते हैं, हो सकता है कोई मछली भी मिल जाए तो आपको दिखाते हैं। ये देखो ये नहर खाली पड़ी हुई है बिल्कुल भाई, वो देखो मछली वगैरह के जाल वगैरह लगा के बैठे हुए हैं वो लोग। मछली इस टाइम बहुत आ रही होगी हाथ के अंदर इन लोगों की ना, हाथ में क्या जाल में आ रही होगी यार दादा क्योंकि मेरे को पता है कमेंट से ऐसा आ जाएगा कोई ना कोई। वो देखो ये बुगले वगैरह बैठे हुए, बिल्कुल तकरीबन खाली हो गई है, एंड चल रहा है बस ना। और ये इस साइड के ऊपर मुझे आज पता लगा है कि अमरूद की एक मंडी जो अपना खेतों से आने के बाद यानी यहाँ आती है और यहाँ अमरूद बिकता है, वो मुझे आज फहीम ने बताया इस चीज़ का, मुझे तो पता भी नहीं था। देखो यार मालिक हम हैदराबाद में रह रहे हैं, हमें ये चीज़ें नहीं पता, और मंडी का आज फर्स्ट टाइम पहला विजिट मेरा मुख्तलिफ था भाई, मैं आज तक नहीं गया हूँ कभी मंडी, फर्स्ट टाइम गया था, आज एक्सपीरियंस हो गया है यानी कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई फहीम भाई, भाई यार तुम्हें बड़ी बारीकियाँ पता है भाई, भाई तुम पका हुआ अमरूद लिया है भाई। ये देखो भाई टाइट हो रहा है, ये देखो मज़ा क्या लगे यार, यहाँ की लाइफ वाकई ज़िंदगी यार। पानी यहाँ तक होता है, हाँ यहाँ तक होता है पानी, फिर कहाँ चला गया बिल्कुल ही एंड हो गया है ख़त्म, यानी पानी इस टाइम पे बल समझ लो एंड है सफाई के लिए, दिसंबर के महीने में जो सफाइयाँ होती हैं उसके हवाले से है सारा। मज़ा आ गया भाई, आगे ऊपर मछलियाँ बिक रही हैं वो तो खैर टोपी ड्रामे हैं, ये यहाँ से पकड़ के ऊपर बेच रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, वो मंडी से ला के बेच रहे होते हैं। तो जी भाई यहाँ से ही पकड़, यहाँ से ही पकड़ ले। अच्छा तो जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना खूब ख्याल रखिएगा, और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।